जाना सौखा नहीं आस्ट्रेलिया, सीधी जड़ी गल है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के तो आज की वीडियो का मैं आपको टॉपिक बता दूँ। आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है जीटी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो कि मेरे आ चुके हैं। 3 मंथ बाद फाइनली जीटी आ चुकी है। तो आज फीस जमा फीस पे कराने जाएंगे और एजेंट से मैंने फॉर्म बनवा लिया। तो उसने 2 फॉर्म बनवाए और उसमें उसने बताया कि आप $10,000 से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री फीस पे मतलब पैसे नहीं भेज सकते। तो मसला बना, उन्होंने 2 किस्तें बना दी, तो मेरी 17,000 समथिंग बनी मेरी फीस। तो 2 किस्तें उसने बनाई, 10,000 की एक और 7,000 और समथिंग की एक बना दी। तो भाई आज एक आज करवानी, एक कल करवानी है, ठीक हो गया। तो अल्फला बैंक के अंदर था हमारा अकाउंट, तो लिंक एक्सचेंज के ज़रिए हम फीस पे करेंगे। तो पहले लिंक एक्सचेंज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो आगे करेंगे आउट ऑफ कंट्री यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। तो भाई अगर आप लिंक एक्सचेंज के वालों के पास सेम अकाउंट हो, मतलब कि अगर उनके पास भी अल्फला का अकाउंट हो तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं हो तो आप अपने बैंक से उनको RTCG पता नहीं ये करवानी पड़ेगी, ठीक हो गया। उसके लिए आपको ब्लैंक चेक चाहिए होता है और वो बैंक वाले खुद पे कर लेंगे और फॉर्म होंगे वो उसकी टिक्की लिख करके आप वो मनी एक्सचेंजर वाले को देंगे और वो फिर आगे आपके सिग्नेचर और बायोमेट्रिक वगैरह लेंगे और आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। तो आज चलेंगे लाहौर और आपको साथ साथ बताएंगे क्या हिसाब बनता है, कैसे कैसे फ़ीस पे करते हैं, भाई देखते हैं क्या बनता है। और मैंने पूछा था कंसल्टेंट से, उसने बोला था कि विद इन 1 वीक 8 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो फीस उनको रिसीव हो जाएगी और COE में भी आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। तो दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि 3 मतलब 4 महीने हो गए मुझे इस प्रोसेस में पड़े हुए। तकरीबन दिसंबर में मैंने टेस्ट दिया था, तो अभी चल रहा है मई, अप्रैल ख़त्म होने वाला है। तकरीबन यहाँ से अंदाजा लगा ले 4 महीने हो गए हैं। तो अभी जाके GT मेरी क्लियर हुई है, तो आगे 1 महीने का प्रोसेस रह गया मेरा बायो। इसके बाद COE आएगी, COE के बाद बायोमेट्रिक, फिर मेडिकल, फिर सारा कुछ इकट्ठा करके एम्बेसी को जमा करवा देंगे और वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो वीज़े के लिए उसने कहा कि 15 से 20 दिन में आ जाएगा। तो देखते क्या बनते हैं। तो चलते हैं आज लाहौर और ये देख, मैं वैसे दिखा दूँ कि आंसबरी कॉलेज है, ये मेरा अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ गया, मतलब अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर GT मतलब उसे ही कहते हैं। और ये दो उसने बना के दिए थे मुझे फॉर्म फीस पे करने वाले, ठीक हो गया। तो चलते हैं आज लोर और दिखाते हैं आपको क्या क्या बनता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। अपने वकील दिया 2 किलियां दिया पंडा बनिया पीक है, पंडा बनिया पे जनाब मेनू परसों दिया पंडा बजे अच्छी असल पता इन्हें बस के मीह लगना गा तो। हाँ जी भाई जी, तो आज हमारा है 2रा दिन, तो आज हम जाएंगे अपनी दूसरी किस्त हारने। तो कल हम अपनी किस्त हार के आ गए थे, तो एक किस्त आ रही थी हमें $10,000 की। तो आज जो बाकी हमारी फीस रह गई आज वो हम उतारने जाएंगे, तो आपको बताएंगे साथ साथ क्या प्रोसेस होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो भाई बड़ा मुश्किल काम है, जाना सौखा नहीं आस्ट्रेलिया, सीधी जड़ी गल है। लफाफा दे दा फीस तारन लफाफा, केड़ा लफाफा, आलो आवे दाला आवे दाला। घर वापसी। हाँ जी भाई साहब, तो भाई हमारी फाइनली सेकंड फीस भी सबमिट हो चुकी है और तकरीबन अब फीस तो हमारी सारी क्लियर हो चुकी है। अब COE का वेट करेंगे हम, तो कल हम करा के आ गए थे सेकंड फीस भी जमा। तो देखते हैं अब हमारा क्या बनता है। एजेंट को भी मैंने जो फीस का जो होता है पेपर क्या कहते हैं सप्लानी लेटर जो भी होता है वो मैंने जमा करवा दिया था। और भाई मैंने जो अपनी फ़ीस है वो करवाई है लिंक एक्सचेंज के वालों के जरिए लाहौर में, उनकी गुलबर्ग में मेन ब्रांच है। तो भाई वो अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं यार, रेफरेंस भी था उनके साथ और वैसे भी ना वो अच्छे मतलब अच्छा करते हैं, दूसरों की बजाय रेट कम लगाते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद वो फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालते हैं, जो होता है ना दूसरे कई बंदे होते हैं कि एजेंट पैसे कहेंगे इनको दे दो उनको करवाएंगे, वो आगे किसी और के अकाउंट में करवाएंगे और फिर वो जाके यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, तकरीबन वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाते जाते 1 वीक लेक जाता है।
तो अब मैंने फीस जमा करवाई है। कह रहा था कि भाई बाहर जाते जाते ही फीस का तकरीबन वो एक वीक लगा देता, अब उन्होंने कहा कि आपकी फीस तकरीबन वीकेंड आ गया था हफ्ते इतवार, तो जिसकी वजह से ना वो फीस अब मंडे को ट्रांसफ़र होगी, तो वो उन्होंने कहा कि 2 मई तक 3 मई तक आपकी जो स्विफ्ट कॉपी है वो आ जाएगी। मतलब वही मेन चीज़ होती है हमारे पास कि जब यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फीस लैंड हो जाती है उसके बाद वो एक कॉपी सेंड करते हैं, लेटर से कुछ होते हैं स्विफ्ट पता नहीं क्या नाम नहीं आता मुझे उनका, तो वो सेंड करते हैं जो हमारे पास होना ज़रूरी जो प्रूफ होता है कि अगर बाई चांस अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कल को वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसकी जगह वो हमारे पास होगा, तो हमारी जो हमारी फ़ीस जमा करवाई होगी तो वह वापस आ जाएगी। ठीक हो गया भाई, ये प्रोसेस होता है भाई, इजी नहीं होता, रेफरेंस हो तो सब कुछ हो जाता है, बस अगर रेफरेंस नहीं है तो भाई इजी नहीं होता। ठीक हो गया, उसके बाद ये सारा प्रोसेस था और फीस का भी मैंने बता दिया कि 2 किस्तों में होती है और बाकी यही सब कुछ था भाई। और भाई सीधे जो बात है GT क्लियर होने में, जो कहते हैं ना कि भाई 1 वीक में हो जाएगी 2 वीक में हो जाएगी, भाई बकवास गंदा झूठ बोलते हैं यार। मेरा तकरीबन 3 मंथ लगे हैं, 3 मंथ में मेरी GT क्लियर हुई है यार, पता नहीं यार, खुद अल्लाह करे आपकी जल्दी हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि सबकी इतनी होगी, यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का भी फ़र्क आ जाता है क्योंकि जो हाई यूनिवर्सिटीज़ होती है वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो अब एजेंट के मुताबिक ये बात है कि अगर आपका GT आने में इतना टाइम लगा तो आपका जो वीज़ा प्रोसेस होगा उसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने जो अपनी सारी तफसील कर ली होती है कि भाई इसके सारे डॉक्यूमेंट जी डी, जिसकी वजह से एम्बेसी अब कम करती है। ठीक हो गया, तो अब COE का वेट है और देखते हैं COE के बाद हमारा बायोमेट्रिक होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं अब हमारा क्या बनता है। तो बने रहेगा हमारे साथ और अपना प्यार हमें दिखा दें भाई, एक सब्सक्राइब कर दें, 33 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बड़े हैं भाई, और थोड़ी सी मोहब्बत करें 50 को तो करें मेरे, और लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे वीडियो लगे, अगर कोई कमी पेशी तो हमें बताएँ तो आके हम आने वाली वीडियो में से बेहतर करें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।